रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। अच्छा, हियर वी हैव अ बीकर, राइट, व्हिच हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैं कोई सॉलिड ऐड करता हूं। दो पॉसिबिलिटी हैं इस सॉलिड के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता अपने लंप में से अलग होना शुरू हो, और डिसॉल्व होना शुरू। आमतौर पे मैंने तुम्हें बताया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के आइडिया, वी अप्लाई इन केस ऑफ लेस सॉल्युबल सॉल्ट्स। There must be certain amount of solid that will be left even after formation of saturated solution upward. ये क्या बन गया है? इसका saturated solution. तो इसका मतलब है अब ये amount of solid constant रहने वाला है, यानी अब ये मजीद dissolve होने वाला नहीं। First कीजिए salt A B solid. Making equilibrium between A plus and B minus. इन्होंने कहते हैं, यानी अब मजीद solid dissolve होने वाला है। इसका मतलब very small amount of this is converted into ions. Small amount of ions must have been produced. अगर ये कोई हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होता तो मैं इसकी इक्वेशन कैसे बनाता? इट वुड हैव कंप्लीटली टर्न इनटू ए प्लस एंड बी माइनस, और यहाँ पे कुछ सॉलिड बाकी नहीं रहता। तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उन सॉल्ट्स के लिए अप्लाई किया जाएगा जिसमें सॉलिड बाकी रह जाए, यानी जिनकी सॉल्युबिलिटी पहले लाइक इस केस के मुकाबले, ये ऊपर वाले टॉप केस के मुकाबले में कम होगी। तो सर ये है क्या? दरअसल इट्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड सॉलिड, बिटवीन आयंस एंड सॉलिड, इन दो के दरमियान का एक इक्विलिब्रियम है। तो और यकीनन ये उन सब्सटेंसेस के ऊपर जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है, जिनकी सॉल्युबिलिटी को मैं जज करना चाहता हूँ, लेकिन ऑल्दो दे आर वेरी लेस सॉल्युबल, ठीक है, एक मिनट अब आइडिया को अप्लाई करते हैं। अगर मैं ये कहूं बेरियम सल्फेट एक लेस सॉल्युबल सॉल्ट, यानी तुम्हारे नजर में तो ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट था ना, याद करो पिछले साल तक तुम इसको एक प्रेसिपिटेट मानते, लेकिन ये भी किसी एक्सटेंट तक सॉल्युबल है वाटर के अंदर। तो ऐसा सॉलिड जो कम सॉल्युबल है वो इस स्टेट के अंदर आ सकता है कि कुछ आयंस यहाँ पे मौजूद हैं इस स्टेट के अंदर, और बहुत सारा सॉलिड नीचे बाकी मौजूद है। देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज टू सब्सटेंसेस। तो मैं इसको इक्विलिब्रियम के साथ शुक, और जहां इक्विलिब्रियम आ जाए ना बेटा, तो तुम्हें याद है कि यू कैन अप्लाई केसी। इसकी केसी क्या होगी? बेरियम टू प्लस एंड सल्फेट टू माइनस ओवर बेरियम सल्फेट,
आई नो दैट बेरियम सल्फेट इज सॉलिड, दिस बेरियम सल्फेट रिमेनिंग बेरियम सल्फेट इज सॉलिड, सो दिस मे नॉट बी डिजॉल्विंग, सो दैट मीन्स दिस हैज कॉन्स्टेंट अमाउंट लेफ्ट इन द कंटेनर, एंड इफ इट इज कॉन्स्टेंट सो आई कैन कीप दिस विथ के सी एंड ड्राइव माई एक्सप्रेशन इन अ वे के सी टाइम्स कॉन्स्टेंट, यानी क्या बेरियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम आयन कॉन्सेंट्रेशन सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन. अब द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी कॉल्ड एज, एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू आयन सॉल्युबिलिटी, जैसे कि ये दो आयन्स की सॉल्युबिलिटी की प्रोडक्ट है, तो इस कांस्टेंट को मैं क्या कहने लगूंगा, के एस पी बी ए टू प्लस सल्फेट टू माइनस. ठीक है. अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इतनी बात समझ में आती है बेटा दोनों के? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में आंसर करो. चैट बॉक्स होता है, इस्तेमाल करना आता है? ओके. अली रजा, मैं सोडियम क्लोराइड को इस आइडिया के ऊपर क्यों नहीं रख सकता? क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है. लेकिन सिल्वर क्लोराइड को मैं रख सकता हूं क्योंकि वो कम सॉल्युबल है. जो कम सॉल्युबल होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी मोल पर डीएम क्यूब के अंदर होती है. जो ज्यादा मोल पर डीएम क्यूब के ज्यादा सॉल्वेंट के अंदर चेक किया जाता है कि थोड़े से डिजोल्व हो भी रहे कि नहीं. और जो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं उनको 100 ग्राम में चेक करते हैं, जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल तुम्हें उस दिन दी थी, याद है तुम्हें? ओके. तो अगर मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैन बी वैरीड with respect to the salt. KSP units कह लो और expression can be varied from case to case. अब फर्ज कीजिए मेरे पास ए बी की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मुझे कैलकुलेट करने की एक्सप्रेशन बनानी माइनस, तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ के एस पी इज इक्वल टू ए बी, है ना? तो अगर मुझे इफ आई अज्यूम दैट एक्स वॉज द कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, the concentration of both of them is x. Why? Because मैंने add तो उसमें a किया था, नहीं sorry, add मैंने इसमें p किया था, variable use कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन dissolve कितना हुआ? x. dissolve कितना हुआ? x. अगर ये इसकी concentration x है, तो इन दोनों की concentration भी एक्स है, ठीक है? अप्लाइंग दिस वैल्यू इन दिस, इस केस में केस पी बराबर होगी एक्स स्क्वायर के, यानी वॉट एवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज देयर उसका तुम स्क्वायर ले लो. फर्ज करो अगर ये होती 1.5 टाइम्स 10 पावर माइनस 3, तो मैं इसका स्क्वायर ले लेता तो मेरे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाती. अच्छा,
केस चेंज करते हैं, ए टू बी, इस केस में बी टू माइनस, अगर ए बी टू की कॉन्सेंट्रेशन एक्स है तो ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी टू एक्स, और बी की कितनी होगी एक्स, वन एस टू वन रेशियो की वजह से, वन एस टू टू रेशियो की वजह से। और अगर अब मैं इसे के एस पी में प्लेस करूं तो के एस पी विल बी इक्वल टू टू एक्स, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई ना उसको स्क्वायर भी करना है, दिस विल बिकम फोर एक्स क्यूब, जो भी कॉन्सेंट्रेशन हो फोर से मल्टीप्लाई करके उसका क्यूब ले लो, तुम्हारे पास के एस पी आ जाएगा, ठीक है। पहले केस के अंदर केएसपी के यूनिट्स क्या होने चाहिए, जरा देखो, ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एक्स, मैं यूं लिख सकता हूँ केएसपी एक्स है तो एक्स का मोल पर डीएम क्यूब, दूसरा भी क्या है मोल पर, राइट, दिस बिकम मोल स्क्वायर डीएम सिक्स, इजंट इट, क्या ये सही यूनिट बनाया मैंने? अदरवाइज अगर केस टू है तो के एस पी विल बी इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर मोल पर डीएम क्यूब, दिस बिकम मोल क्यूब डीएम नाइन। सॉल्ट बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग ओवर द आइंस, ऐसा भी हो सकता था ए बी टू, तो ये कैसे आयोनाइज होता, ए टू प्लस टू बी वन माइनस, तो गैस भी बराबर होती इसकी, टू बी टू माइनस पावर टू, अरे हाँ इसकी एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, KSP 2A 1 plus power 2 B2 minus। अच्छा अब इसको देखो, तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन X मान लेता हूँ तो ये क्या हो जानी चाहिए 2X, सॉरी ये क्या हो जानी चाहिए X और ये क्या होनी चाहिए 2X, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी KSP is equal to x 2x square, तो ये भी कितना हो जाएगा 4x cube, और इसका भी यूनिट क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला में टोटल आयंस को काउंट कर लो, इसमें कितने आयंस थे दो, इसमें कितने आयन हैं तीन, इसमें कितने आयन हैं तीन, ये भी क्या होगा मोल क्यूब डीएम नहीं। इतनी बात समझ में आती है? नहीं आती तो बोल देना मुझे। ठीक है अरीब तुम्हें समझ आती बेटा? अरीब सो गया है, सोने दो, जाग सा है, जाग रहा है। ओके। ये बात नहीं आए बेटा, कोई इशू हो तुम लोगों के माइक है
ऑन करो जरा दोनों। नहीं है, दोनों के पास है। माइक ऑन हो सकता है? तीसरे टाइप का सॉल्ट तो इसके कितने आयन निकलेंगे? ए के 3 1 प्लस और एक्स के 3 माइनस। मेरी एक्सप्रेशन क्या होगी केएसपी? केएसपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए, जो नंबर लिखा है इधर जितने से कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई हुई उसी से ही क्यूब पे हो। एक्स 3 माइनस, सपोजिंग दिस इज एक्स मोल पर डीएम क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? 3x पावर 3 और एक्स पावर नथिंग 3x पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा? 9 नहीं सॉरी क्यूब है ना, 27x4। उसका यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब पावर 3 मोल पर डीएम क्यूब पावर नथिंग, तो ये कितना हो जाएगा? मोल 4 डीएम 12 केएसपी का यूनिट फिर चेंज हो गया। वैसे यही केस इस सूरत में भी हो सकता है ax3 राइट, और इसकी एक्सप्रेशन अगर मैं बनाऊं तो वो भी उसी तरह बनेगी, 1a3 प्लस x3 माइनस 3x1 माइनस। एक्सप्रेशन इसकी भी वैसी है। अब ये अगर इसकी कंसंट्रेशन एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये 3x पावर क्यूब, तो ये भी कितना होगा? 27x4 और इसका भी यूनिट मोल 4 डीएम 12 होगा। और लास्ट कॉम्प लाइक मेरे पास जो मौजूद है वो है a3x2 या फिर a2x3, किसी एक की भी कर ले। तो ये क्या दे रहा होगा? 2a3 प्लस 3x2 माइनस। केएसपी की एक्सप्रेशन बनाते हैं, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? 2x बेटा जरा होल्ड करना। ओके नाउ ये कितना हो जाएगा? 3x
पावर थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर टाइम्स थ्री, सॉरी 27x³ ये बराबर हो जाएगा 108x⁵। सो दिस इज द, तो अगर अब तुमसे पूछा जाए अब इसी बेसिस के ऊपर, हमें क्लास के बाद मुझे नोट्स भेजने होंगे, मुझे ये देखना है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन टाइम जाया कर रहा है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, ओके नेक्स्ट उस पर चलते हैं स्लाइड पे। ये कॉपी हो गया भाई, कॉपी होने के साथ समझ में भी आ गया है अरीब को। चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम ना कहता है कि फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of AgCl when its concentration is 2.1 times 10 power minus 11 mole square per dmg. पहले पार्ट में एग्जाम ने पूछा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर KSP, तुमने KSP की एक्सप्रेशन लिखी Ag plus Cl minus, ठीक है, इक्वेशन में कुछ चाहो तो बना लो, Ag1 plus Cl1 minus, ठीक है। अब क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 2.1, तो मैं जानता हूँ कितने आइंस हैं इसके पास, दो आइंस, तो इसमें KSP का एक्सप्रेशन क्या बनती थी मेरे पास, considering this concentration as x square, KSP will be equal to 2.1 times 10 power minus 11 ka square. Batao kitna aana chahiye, calculator hai, ऑलराइट ओके नाउ दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी मुझे कहता है कि कैलकुलेट द KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड राइट व्हेन its concentration is 1.4 times 10 power minus 12 ये concentration है इसकी,
मैंने फौरन इसकी केएसपी कैलकुलेट की, मुझे पता है कि यहाँ मैग्नीशियम का एक आयन और हाइड्रोक्साइड के 2OH पावर 2, ये एक्सप्रेशन आ गई मेरे पास। तो अब जब टोटल आयन मेरे पास कितने हैं, तीन, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनती थी, 4X³ की। मेरे पास जितनी भी मेरे पास क्या है मौजूद, कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 1.4 × −, और इसके ऊपर मुझे क्यूब लगा लें तो मेरे पास के एस पी आ जाएगी। ये बराबर है किसके, ज़रा बताओ मुझे जल्दी से। And the answer is सो गए लड़कों, अरे भाई क्या क्या बिल्कुल खराटे मार के सो रहे हैं, इनका एक भी जवाब नहीं आ रहा। 1.09 × 10⁻³-35। अच्छा अभी तो हमें, हमने कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मानी है या कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ, लेट सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज 2.46 × 10⁻¹⁰। लेट्स सपोज जिसके के एस पी वाले एग्जाम कह रहे, अब तुम्हें के एस पी से सॉलिबिलिटी निकालनी है, तो तुम पहले के एस पी के एक्सप्रेशन लिखो, के एस पी सी ए 2 OH − 2 OH − 2। तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या बनाता था, 4X³, तीन है ना, 4X³। तो के एस पी मुझे दी हुई है 2.46 × 10⁻¹⁰ इज इक्वल टू 4X³। इसको इधर लेके आते हैं और यहाँ पे क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये आ गया 2.46 × 10⁻¹⁰ ओवर 4 अंडर रूट क्यूब रूट दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, उधर बताओ उसका क्यूब रूट लेके, आंसर बताओ बच्चे।
आंसर आए में बस एक्स इज इक्वल टू 3.95 टाइम्स 10^-4। आई बात समझ में? चलो बच्चों, और मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से करके छुट्टी करो। ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक चीज बाकी है, इसमें कॉमन आए ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं सैटरडे को सुबह में तुम लोगों को, सैटरडे को नहीं, संडे को तुम्हारी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, जिसमें तुम ये करोगे सुबह में, तकरीबन 12 बजे। चलो यहाँ लिखो, कैलकुलेट द के एस पी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Al2O3 इज 2.94 × 10^-15। ठीक है, ये सॉल्व करो, व्हाट्सएप करो। फाइंडिंग सॉल्युबिलिटी व्हेन के एस पी ऑफ एच जी सी एल टू इज 4.64 × 10^-20। ठीक है, एक में के एस पी दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी निकालना है, एक में सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, के एस पी निकालना है। अभी रजा, ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से कॉपी करो और सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करो। अरे रजा, जल्दी से दोनों क्वेश्चन करो, 3 मिनट रह गए हैं, लिंक एक्सपायर हो जाएगा। जल्दी से पहले कॉपी कर लो, इससे पहले लिंक एक्सपायर हो। ठीक है, जल्दी सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। ध्यान में रखें, इज दैट थिंग क्लियर? संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी ओवर द पास्ट पेपर्स ऑफ दिस टॉपिक। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? अरे भाई, आपको भी? संडे को 12 से 1, एक बच्चा और है उसको भी ऐड कर लूंगा मैं।
आठ से दो किसकी होती है क्लास? संडे है ना यार, संडे को जाना तो नहीं होगा, अब तो बंद हो गया सारा ई कैट पी कैट। ये अभी खुला है? ओके। और सैटरडे को क्या टाइमिंग है? ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक में तुम्हारे दूसरे ग्रुप के साथ एडजस्टमेंट करता हूँ, ताकि तुम्हें दो के बजाय चार क्लासेस मिले। ऑलराइट, सेशन टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं इसकी वीडियो भेजता हूँ तुम्हें, उसको एक मरतबा फिर रिव्यू कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।